आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं हिंदी आज तक लाइव टीवी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अमेठी जिले के तिलोई विधानसभा क्षेत्र के बेनीगंज में विगत कई वर्षों से लो वोल्टेज की समस्या से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति हो रही थी। इस मामले की शिकायत एक नहीं सैकड़ों विद्युत उपभोक्ताओं ने विद्युत उपकेंद्र सहित विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता अमेठी सहित प्रदेश के राज्य मंत्री स्थानीय प्रशासन सहित प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से की थी। इतना ही नहीं परेशान उपभोक्ताओं ने एक नहीं सैकड़ों बार विद्युत उपकेंद्र का घेराव तक धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद भी तार नहीं लगवाया जा सका। इस संबंध में जब युवा समाज सेवी तथा समाजवादी पार्टी तिलोई विधानसभा के युवा नेता जावेद खान को जब विद्युत उपभोक्ताओं ने जानकारी दी तो सपा नेता ने अपने पैसे से तार खरीदकर लाइन खिंचवाकर लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाई। वही युवा नेता विकास यादव, राम कुमार यादव सहित ग्रामीणों में खुशी जाहिर की। अमेठी से ब्यूरो चीफ वसीम की रिपोर्ट। अपने लोगों के साथ मैं उनकी समस्या से लड़ रहा हूं और इसको दो एक दिन के अंदर मैं फाइनल करा दूंगा। इस बिजली विभाग की इसी प्रकार की समस्या लगभग तिलोई विधानसभा में कई क्षेत्रों में है, तो क्या इस संबंध में आप कभी किसी उच्च अधिकारियों से बात करेंगे? आज मैं इसको अपने खर्चे से करवा रहा हूं। कल अगर यही समस्या जो है पूरे क्षेत्र से आना शुरू हो जाएगी तो इस पे बैठ करके मैं अधिकारियों से बात करूंगा और इस पे बैठ करके इसलिए बात होगी कि ये जो समस्या है इससे जो है लोगों को निजात दिलाई जाए। और अगर अधिकारी इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो उनका स्वागत रहेगा, और अगर इस पे जो है ढिलवाई हो रही है तो इसके खिलाफ फिर आंदोलन होगा। क्या है? मेरा नाम जावेद खान है, मैं समाजवादी पार्टी से यूजन सभा का प्रदेश सचिव रहा हूँ, पूर्व प्रदेश सचिव। तिलोई विधानसभा में आप भावी प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, आपके द्वारा जनता के लिए क्या कार्य किया जा रहा है, क्या जो है जनता को आप क्या दिखाया जाएगा? देखिए, तिलोई विधानसभा, आज मैं तिलोई विधानसभा की जनता के बीच में हूँ और यहाँ पर मैंने जो पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया है, देखने में यही आया है कि विकास के मामले में अगर देखा जाए तो तिलोई विधानसभा बहुत पीछे है, बहुत ही अछूती है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी हैं, मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और मैं देखता चला आ रहा हूँ कि जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तिलोई विधानसभा इतना पीछे है डेवलपमेंट में, इसलिए तिलोई विधानसभा की जो जनता है ये एक उम्मीद लगा करके बैठी हुई है कि हमारे बीच कोई एक ऐसा काम करने वाला बंदा आए, कोई एक ऐसा नेता आए, कोई हमारा एक अपना ऐसा भाई आए जो तिलोई विधानसभा की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो। और मैं तिलोई विधानसभा की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ के लोगों ने मुझे उस लायक बनाया तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि तिलोई विधानसभा की जनता को मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि अगर उस लायक आप लोगों ने मुझे बना दिया तो आपके हर सुख दुख में मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहूँगा। आपके द्वारा आज नौना कस्बे के बेनीगंज में ये किस प्रकार का काम कराया जा रहा है, इससे कितनी जनता को लाभ हो रहा है? देखिए, ये जो बेनीगंज एक ग्राम सभा है, यहाँ पर 40-50 घरों का एक परिवार भी है, तो यहाँ पर लो वोल्टेज की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लाइट इतनी स्लो आती है, इतनी लो आती है कि लोगों के घरों में पंखे तक नहीं सही से चल पा रहे हैं और बिल लोगों को पूरा भुगतान करना पड़ रहा है। जब मेरे समक्ष ये जो है समस्या आई तो मैंने इसको जो है अपने बजट से, अपने जेब खर्च से पूरा करने का जो है लोगों को आश्वासन दिया और आज मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। ये इस प्रकार बिजली विभाग के द्वारा यहाँ इससे पूर्व में लाइन उतारी गई थी, आपने बिजली विभाग के किसी अधिकारी से इस संबंध में जांच पूछताछ नहीं की? हमारी बात हुई है, हमारी जो है एक्शियन से भी बात हुई है, एसडीओ से भी बात हुई है और जेई से भी हमारी बात हुई है, तो उन लोगों ने आश्वासन दिया है और इस चीज़ का आश्वासन दिया है कि ये 3-4 महीने में हमारा जो है एस्टिमेट बन करके जाएगा, उसके बाद फिर हम इस पर काम शुरू कर देंगे 3-4 महीने बाद। चूँकि गर्मी अभी है, समस्या अभी है, लोग इस समस्या से अभी जूझ रहे हैं, तो उस समस्या से निजात दिलाने के लिए मुझसे जो हो रहा है, मैं बेनीगंज की जो है जनता के साथ, अपने लोगों के साथ मैं उनकी समस्या से लड़ रहा हूं और इसको दो एक दिन के अंदर मैं फाइनल करा दूंगा। इस बिजली विभाग की इसी प्रकार की समस्या लगभग तिलोई विधानसभा में कई क्षेत्रों में है, तो क्या इस संबंध में आप कभी किसी उच्च अधिकारियों से बात करेंगे? आज मैं इसको अपने खर्चे से करवा रहा हूँ। कल अगर यही समस्या जो है पूरे क्षेत्र से आना शुरू हो जाएगी तो इस पे बैठ करके मैं अधिकारियों से बात करूँगा और इस पे बैठ करके इसलिए बात होगी कि ये जो समस्या है इससे जो है लोगों को निजात दिलाई जाए।
और अगर अधिकारी इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तो उनका स्वागत रहेगा, और अगर इस पे जो है ढिलवाही हो रही है तो इसके खिलाफ फिर आंदोलन। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।